वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेवी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ वन लाइनर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, कुछ पॉइंट्स आज फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। कल के पिछले सेशंस के कुछ पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो द 10th शेड्यूल विच कंटेन्स द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा 10वां शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या, पहली बात वो क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, फिर आपका एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और फॉरेस्ट किस लिस्ट के अंदर आता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। अब आपका रेलवे आता है यूनियन लिस्ट के अंदर, पर आपका रेलवे पुलिस जो है वो आता है आपका स्टेट लिस्ट के अंदर। ये बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आपका एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और फॉरेस्ट आता है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, रेलवे यूनियन लिस्ट और रेलवे पुलिस स्टेट लिस्ट। आपका हेल्थ जो है वो भी आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, फिर एंट्री 5 ऑफ द स्टेट लिस्ट इन 7th शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर लोकल गवर्नमेंट, यानी पंचायती राज। ठीक है, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, व्हाइल पब्लिक ऑर्डर्स, प्रिजंस एंड पुलिस आर स्टेट लिस्ट। अब क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो वो 7वें शेड्यूल में है, जो वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, पर पब्लिक ऑर्डर्स, प्रिजंस और पुलिस किसका है, वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। फिर नए पॉइंट्स क्या है, मैरिज, डिवोर्स एंड अडॉप्शन आर द सब्जेक्ट्स ऑफ लिस्ट 3, दैट इज कंकरेंट लिस्ट एज एंट्री नंबर 5 रिलेटेड टू 7th शेड्यूल। अब मोटा मोटा क्या है कि आपका मैरिज, डिवोर्स और अडॉप्शन किसके पार्ट है, कंकरेंट लिस्ट के। ठीक है, आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। जो हमारा आर्टिकल 246 है वो क्या करता है, वो लेजिस्लेटिव पावर्स जैसे कि टैक्सेशन भी उसमें इंक्लूडेड है, उसको डिवाइड करता है, हम कहेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है किनके किनके बीच, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। जो हमारा केंद्र है और जो हमारा स्टेट का है, उन दोनों के बीच डिवाइड करता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 246। शेड्यूल 7 एन्यूमरेट्स दीज सब्जेक्ट मैटर्स विद द यूज ऑफ 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। दस द राइट टू इम्पोज टैक्स एंड फीस बाय यूनियन एंड स्टेट इज प्रोवाइडेड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कि जो राइट है क्या इम्पोज करने का, टैक्स और फीस बाय यूनियन एंड स्टेट्स, वो किस शेड्यूल में है, 7th शेड्यूल में है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अब स्पेशल प्रोविजंस आर लेड डाउन बाय द 5th and 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। अब जो हमारे एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके उनके प्रोटेक्शन का, उनके प्रोटेक्शन का जो राइट है, हम कहेंगे उनके प्रोटेक्शन का जो एक्ट है, जो बात है, वो किस शेड्यूल में है, तो 5th and 6th शेड्यूल में। ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। जो हमारा 5वां शेड्यूल है वो क्या प्रोवाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स, पर किन किन जगहों को छोड़ के, किन किन स्टेट्स को छोड़ के, तो एक्सक्लूडिंग एक्सेप्ट the in the states of Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. ठीक है, the provision of administration of tribal areas in these states is provided in the 6th schedule of the constitution. तो इनमें है नहीं 5th शेड्यूल में, तो किस शेड्यूल में है, ये फिर 6th शेड्यूल में है। ठीक है, इन स्टेट्स को लेकर इन प्रोविजन। ठीक, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 added a new part 9 to the constitution titled the panchayats, covering provisions from article 243 to 243o and the new 11th schedule covering 29 subjects for the functioning of panchayat. Very important ki jo hamara panchayat hai, theek hai, panchayati raj ab kahenge wo kis schedule mein hai, to 9th schedule mein hai, sorry 9th part mein hai, kiske 11th schedule ke। 11th हमारा पंचायती राज होता है, 12th हमारा म्यूनिसिपल होता है। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनसिपैलिटी। तो 11th हमारा पंचायत है,
किस पार्ट में? 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब किस अमेंडमेंट के तहत आया था? 73 अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992. कहाँ से कहाँ तक का आर्टिकल कवर करता है? 243 से लेकर 243 ओ. इसमें आपको एक एक पार्ट इस आर्टिकल का पढ़ना बहुत जरूरी है. टोटल कितने सब्जेक्ट्स कवर करता है? 29 सब्जेक्ट्स कवर करता है. ठीक है, टोटल आपके कितने सब्जेक्ट्स कवर करता है पंचायत का फंक्शन पूरा? 29 सब्जेक्ट. किस शेड्यूल में? 11th. किस एक्ट के तहत आया? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992. ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा. आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.